So hello everyone, welcome to Learning Hotspot. In this video, we are going to discuss about anti-angina. So anti-anginals, कौन से drugs होते हैं और ये angina pectorosis में use होते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. So first of all, angina pectorosis होता क्या है, इस बीमारी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो angina pectorosis refer to straining or pressure like pain caused by cardiac ischemia. तो एंजाइना पेक्टोरिसिस क्या है, एक पेन लाइक फीलिंग होती है, ठीक है, जो कोज बाय कार्डियक इस्चीमिया. तो कार्डियक इस्चीमिया क्या होता है, कार्डियक इस्चीमिया होता है जब खून सही से फ्लो नहीं कर पा रहा और ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो इन द वीन्स. जैसा पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे पे नॉर्मली ब्लड फ्लो है पर यहाँ पे प्लाग जमा हो गया है यहाँ पे, तो प्लेग बिल्ड अपन आर्टरी फिर दोनों साइड हो गया है प्लेग. ये सब कुछ नहीं, हमारा फैट कोलेस्ट्रॉल जो हम लेते रहते हैं ना जंक फूड वगैरह, उसी की वजह से हो गया है. उसके बाद ये इतना ज़्यादा हो गया है और बीच में जो आरबीसी है वो आ गई है, तो इस वजह से क्या हो गया, नस हो गई है ब्लॉक. और ये पार्ट जो पार्ट है जो ये किसी भी बॉडी का, ब्रेन का या हार्ट का, वो डैमेज हो गया. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही इस पर, तो ये धीरे 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 मरना चालू हो जाएगा. तो ड्यू टू दिस हमें हार्ट अटैक पड़ जाता है, ठीक है. और हम कह सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिसिस एक सिम्टम है. अगर बुक में देखोगे तो एंजाइना पेक्टोरिसिस एक डिसीज है, पर अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में सब कहते हैं कि एक सिम्टम है, क्योंकि पेन लाइक आपकी फीलिंग है खाली, कोई बीमारी नहीं है. बीमारी हार्ट अटैक हुई है, बीमारी कार्डिक इस्टीमिया हुई है, ठीक है, ये कार्डिक इस्टीमिया कारण पेन हुआ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो. पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिसिस, हुआ किसकी वजह से, कार्डिक इस्टीमिया की वजह से, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, हार्ट अटैक. तो ये एक पूरा साइकिल है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर डिसीज में. तो उसके बाद इट इज कॉज बाय एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट इन स्ट्रेटेड मसल. हमको पता है कि मेटाबोलाइट वगैरह ये सब जमा हुआ है इसमें, फैट वगैरह. इट इज एसोसिएटेड विद सीवियर चेस्ट पेन डेट अकर व्हेन कोरोनरी फ्लो इज इनएडिक्वेट टू सप्लाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर हार्ट हार्ट. तो ये क्या कह रहे हैं, ये सीवियर चेस्ट पेन इसमें होता है, ठीक है, जो कोरोनरी फ्लो अगर इनएडिक्वेट है, मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, तो तब ये पेन हमें फील होता है. आजकल आपने देखा होगा मेरी डे टू डे जो लाइफ ऐसी हो गई है कि ये बीमारी तो आम हो गई है, बीपी हाई हो रहता है, ऐसी हार्ट अटैक तो लाइफ में एक दो बार आ जाता है लोगों को, तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. तो हर दूसरे घर में हम ये सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो डे टू डे लाइफ हमारी ऐसी हो गई है. इंपॉर्टेंट है, हमारे मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका वास्ट बना दिया है. सो ये चार टाइप के होते हैं बेसिकली, स्टेबल, अनस्टेबल, वैसोस्पास्टिक और माइक्रोवास्कुलर. सो दोस्तों, स्टेबल एंजाइना सबसे सेफ है, तो 1, 2, 3, 4 स्टेज भी कह सकते हो उसको. सो स्टेबल एंजाइना क्या होता है, ये ट्रिगर होगा बाय फिजिकल और मेंटल एग्जर्शन. अगर हम ज़्यादा काम कर लेंगे या मेंटली स्ट्रेस लेंगे तो स्टेबल एंजाइना हो जाता है, रिजोल्व हो जाएगा. रेस्ट वगैरह अगर हम करेंगे और नाइट्रेट लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जो वैसोडाइलेशन होगी, मतलब सिंपली अगर हम रेस्ट करेंगे और ऐसी कोई ड्रग ले लेंगे जो हमारे वेसल्स को, ब्लड फ्लो को बढ़ा दे या फिर हमारी वेसल्स को डायलेट कर दे, मतलब उसे और चौड़ा बना दे, ठीक है. मैंने पूछा था आपको वैसो डाइलेशन होता है क्या, ये हमारी वैसल है नॉर्मल, ठीक है. अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ये, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है, और वैसो डाइलेशन होगा ये, जब वो डायलेट हो जाएगी और चौड़ी हो जाएगी फॉर सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है. तो हमको ऐसी दवाई लेते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको बताया मैंने, लोकली एक्ट करता है वो, ठीक है, तो यहाँ से रिलीज होकर यहीं पे एक्ट करता है वो, वेसल्स में होके यहाँ पे रिलीज करता है और वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है. पहले नॉर्मली ऐसे थी, अब ऐसे बना देगा, अच्छे से ब्लड फ्लो होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड सही होगी. तो या तो हम रेस्ट कर लें या फिर हम नाइट्रेट ले लें जो मसल को वैसे डायलेट कर दें, ठीक है, या फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लो कर ले लें और वैसे डायलेट कर ले लें, ठीक है, और बीटा ब्लोकर. एक्चुअली में होता क्या है, नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लोकर, ये सारे वैसे डायलेशन ही करते हैं. तो ओवरऑल रेस्ट एंड वैसे डायलेशन, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे रिजोल्व हो जाएगा. और होता क्यों है, फिजिकल और मेंटली एग्जर्शन से, मतलब ज़्यादा लोड लेने से काम को. उसके बाद है एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट ड्रग भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसी का ही पॉइंट है दोस्तों, ऊपर चला गया है. एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट ड्रग से भी हो जाएगा, ठीक है. अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ऑनसेट और वर्सनिंग एंजाइना, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, मतलब इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है ना वो बहुत इंस्टेंट है, पता नहीं होता कब आएगा, एकदम से आ जाता है, ठीक है. रेस्ट अगर हम करेंगे तो रिजोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है. उसके बाद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मे लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन.
सो कह रहा है अगर हमने सही नहीं किया तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। उसका जो थर्ड वन नंबर है पास है वो है वैसोस्पास्टिक एंजाइना। वैसोस्पास्टिक भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, पर ये रेस्ट के टाइम आता है मोस्टली, जैसे हम कॉमनली हार्ट अटैक देखते हैं रात को सोए और सुबह सोते रह गए, तो कॉमन एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ओके, मोर कॉमन इन वुमेन एंड स्मोकर्स। ओके, रिस्पॉन्ड टू नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सप्रेस। तो हम नाइट्रेट ले सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज माइक्रोवास्कुलर एंजाइना, एंजाइना टू कोरोनरी माइक्रोवाइलर डिस्फंक्शन और वैसोस्पास्म। वैसोस्पास्म क्या होता है, वेसल्स का ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्शन हो जाना, जैसे कि ये नॉर्मल वेसल है हमारी, बीच से ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ये होता है स्पाज्म। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो जाना, तो उसकी वजह से हो सकता है ये। नॉर्मली ऐसे है, बीच में से ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद अकाउंट फॉर चेस्ट पेन इन अप टू 50% पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्शन, कैन अकर विद एक्सर्शन और एट रेस्ट, दोनों टाइम हो सकता है, फिजिकली वर्क कर रहे हैं तब भी, मेंटली वर्क कर रहे हैं तब भी, रेस्ट में भी। मे रिस्पॉन्ड टू लेस वेल टू नाइट्रेट। नाइट्रेट से ही सब कुछ नहीं होगा, हमको और डायग्नोस वगैरह भी कराना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि एग्जैक्ट जो वजह है बीमारी की वो हमें भी नहीं पता। उसके बाद ये स्टेजेस हमारी, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये आता है थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, एंटी एंजाइना और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर हम देखें ड्रग यूज्ड इन एंजाइना एक्सप्लोइट टू मेन स्ट्रेटजी, फर्स्ट है कि ऑक्सीजन डिमांड कम कर दो, एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा दो टू द मायोकार्डियल। कह रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड कम कर दो तुम, कि ऑक्सीजन की डिमांड ही ना हो उस पार्ट को, तो कम फ्लो आएगा कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम डिमांड ही बढ़ा दो मतलब वैसे डायलेट कर दो। तो ड्रग जो यूज़ करते हैं हम, तीन तरह के यूज़ करते हैं, वैसो डायलेटर, कार्डिक डिप्रेसेंट मतलब कार्डिक का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ही कम होगा, जिसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक होता है कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोलिक होता है रिलैक्सेशन। और या फिर हम और कोई ड्रग हम दे सकते हैं। वैसो डायलेशन में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रेट और कैल्शियम ब्लॉकर। कार्डिक डिप्रेसेंट कौन कौन सा होता है, कैल्शियम ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। मतलब समझ पा रहे हो, अगर हम कैल्शियम ब्लॉकर देंगे तो कार्डिक डिप्रेस हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर देंगे तब भी कार्डिक डिप्रेस हो जाएगा। और अदर ड्रग का ये अलग अलग क्लासेस के हैं, अलग अलग फंक्शन है। तो बेसिकली नाइट्रेट वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर बहुत तो जल्दी चाहिए तो सबलिंगल देंगे हम उसे, सबलिंगल होता है टंग के नीचे। अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में हमने देखा था, सबलिंगल रूट वो होता है जो टंग के नीचे हम रख देते हैं। इंटरमीडिएट चाहिए तो हम ओरली दे देंगे उसको नाइट्रोग्लिसरीन। अगर लंबे समय के लिए चाहिए तो हम उसको ट्रांसडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं। ट्रांसडर्मल क्या होता है, अंडर द स्किन एक लेयर होती है, उसमें इंजेक्शन हम दे सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रेट के एग्जांपल हैं पर नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बिटोल, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। कैल्शियम ब्लॉकर की बात करें तो वेरापिमिल और 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन आपने बहुत देखा होगा, एम्लोडिपिन, एम्लोपेस, ये सारी बीपी की दवाइयाँ होती हैं। और नीकार्पिडिन, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन आपको अग्रोसी में पढ़ोगे। और उसके बाद बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनालोल। हम सब के स्ट्रक्चर देखेंगे वन बाय वन, पर जो ओवरव्यू है पूरे स्लाइड का वो यही है। उसके बाद दोस्तों पहला है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट एजेंट है, वो है प्रोडक्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्टिवेट द सोल्यूबल आइसोफॉर्म ऑफ ग्वानिलिन साइलेज, देयरफॉर इंक्रीज इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ सीजीएमपी। इन टर्न सीजीएमपी प्रमोट द डिफॉस्फोराइजेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन एंड रिडक्शन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम आयन एंड लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ सिट्रोसिल सेल इन द ब्रॉड रेंज ऑफ टिश्यू। अभी क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट है ना, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, सोल्यूबल आइसोफॉर्म ऑफ ग्वानिलिन साइक्लिस को एक्टिवेट कर देगा। वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ सीजीएमपी। सीजीएमपी क्या करेगा, प्रमोट करेगा डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन, ये एक एंजाइम होता है, एमएलसी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, एंड रिडक्शन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम आयन एंड लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। अब अगर साइटोसोलिक कैल्शियम आयन ज़्यादा हो गए, कैल्शियम आयन जो हमारा है वो वैसो डायलेशन करते हैं मतलब मसल को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, आप ये याद कर लीजिए, कैल्शियम वैसो डायलेशन करेगा। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं जिससे अपने आप मसल रिलैक्स हो जाएगी। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, हेडेक होगा बहुत कॉमन है, और जब हम ड्राइविंग के टाइम अगर मैंने बीपी बढ़ा हुआ है, मैं बीपी गोली ले ली तो थोड़ा सिर में दर्द होता है और ये बेचैनी सी होती है।
उसके बाद जो हमारे पे फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर है सच एज सिलाइड पोटेंशियल द एक्शन ऑफ नाइट्रेट टू रेगुलेट द डेंजरस हाइपोटेंशन दैट मे अकर दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये कह रहा है कुछ मार्केट में ऐसी ड्रग है जो हम हाइपोटेंशन में लेते हैं पर वो हाइपोटेंशन में कन्वर्ट कर देती है, मतलब बीपी ज़्यादा लो कर देती है। हाइपोटेंशन भी किसी का साइड इफेक्ट है तो उस कॉम्बिनेशन को हम नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की तो नाइट्रोग्लिसरीन का ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इसको सिंपल याद करने का तरीका वैसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए डब्ल्यू बना के ग्लिसरॉल, आपको याद होगा ग्लिसरॉल में ओ एच ओ एच ओ एच लग जाते हैं तीनों साइड, ठीक है। इसमें हम ओ एच की जगह ओ एन ओ टू लगा देंगे खाली, डब्ल्यू के तीनों ऊपर साइड ओ एन ओ टू, यहाँ पे भी ओ एन ओ टू और यहाँ पे भी ओ एन ओ टू। आप देख सकते हैं ये हमारा डब्ल्यू है और ऊपर ओ एन ओ टू ओ एन ओ टू है। उसके बाद आइसोस ऑर्बिटल अगर आप याद कर सकते हो तो ये भी इजी है। इसके हम सिंथेसिस देखते हैं दोस्तों, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरह क्लियर हो जाएगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन कैसे बनता है, ग्लिसरॉल प्लस में एच एन ओ थ्री एच पी एस फोर डालेंगे तो ये हो जाएगा। आइसोस ऑर्बिटल में क्या है, डी ग्लूकोस लेके वो सो ऑर्बिटल में कन्वर्ट होएगा जिससे क्या होगा एच टू एस ओ फोर डालेंगे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे आइसोसोरबाइड। आइसोसोरबाइड के बाद जो एच पोजिशन है वो हटके एन ओ टू आ जाएगा, ये यहाँ और ये दो लगेंगे यहाँ पे और इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर जो देगा ओ एन ओ टू और ओ एन ओ टू आइसोसोरबिटल डाइनाइट्रेट। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हम पे तीन टाइप के हैं एल टी और एन। तो इसमें जैसे हम ये देख सकते हैं इनएक्टिवेशन रेट स्लो है, इसमें फास्ट है, इसमें मीडियम है, इसमें सब तरह का एस नोड का भी दिखा रखा है और कंडक्टिविटी, और ये एग्जांपल है इसका वेरापामिल, निफेडिपिन, इसका जो एग्जांपल है वो है माइबिफ्राइडिल फ्लुनारिजिन, इसका जो एग्जांपल है वो है कोनोटॉक्सिन। तो ये अलग अलग तीनों टाइप का कंपेरिजन दिखा रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम सार की बात करें, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें 1,4-डाईहाइड्रो पायरिडीन की, जो कि हमारा पहला कंपाउंड है नाइट्रेट का, तो कह रहा है एसेंशियल फॉर एक्टिविटी सब्सटीट्यूशन एट एन एसेंशियल रिडक्शन द एवोल्यूशन एक्टिविटी। अगर कह रहा है अगर हम नंबर वन एन पे अगर हम कोई एडिशन वगैरह करेंगे तो वो एक्टिविटी कम कर देगा। फिनाइल सब्सटीट्यूएंट फोर्थ पोजीशन इज ऑप्टिमम फॉर कम्युनिटी, कह रहा है अगर फिनाइल सब्सटीट्यूशन होगा फोर्थ पे, अगर यहाँ पे फिनाइल आएगा ना बेंजिंग रिंग वाली आएगी तो अच्छा होगा, अच्छी कंडीशन में होगा। थर्ड फिफ्थ पोजीशन पे एस्टर ग्रुप होगा तो ईजी, मतलब जो ये है एस्टर ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए, इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी एनहेंस हो रही है। व्हेन एस्टर ग्रुप आर नॉन आइडेंटिकल सी फॉर बिकम कायरल एंड स्पेरिक एसेंशियल फॉर्म दिया, कह रहा है अगर एस्टर ग्रुप अगर आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के अलग अलग है तो फिर ये आपका स्टीरियो सिलेक्टिव बन जाएगा और एसेंशियल हम मोस्टली देखेंगे इस कंपाउंड में। उसके बाद दोस्तों सेकेंड है डाइफिनाइल एल्केलामाइन, जिसका है वेरापामिल एग्जाम्पल। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर ग्लाइकोसाइड, इसको पढ़ लीजिए, कोग्नोसी में भी आपका आएगा, तो डिजोक्सिन और डिजिटोक्सिन दोनों के आप स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिए। उसके बाद है बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, जिसका एग्जाम्पल है प्रोपेनोलोल। उसके बाद ये कुछ आपके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइना ड्रग, गिव टू एग्जांपल टाइप ऑफ एंजाइना, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसॉर्बिटल, सार ऑफ 1,4-डाई हाइड्रोपायरिडीन एंड कैल्शियम चैनल ब्रोकर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी है, और ज़्यादा डिटेल में मैंने स्ट्रक्चर को करानी है क्योंकि इतना हमें याद भी नहीं रहना, पर जो मेन मेन स्ट्रक्चर है जैसे कैल्शियम ब्लॉकर है 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन, इसको हमें याद रखना है, और जो डिजिटोक्सिन और डिजोक्सिन है इसको हमें याद रखना है, प्रोपेनोलोल भी इम्पोर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही लीजिए। और ओके गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू हेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल।